नमस्कार प्रणाम आप सभी को और भारतीय चित्र साधना का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और वो भी एक वार्ता के लिए जिन मनमोहन जी के साथ जो इन माय ओपिनियन वन ऑफ द फॉर्मेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन दिस कंट्री सो इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू अबाउट अ सब्जेक्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं समझना चाहती हूँ आपके दिल के कि, कितने करीब है फिल्में मुझे पता है राइटिंग इज़ वेरी क्लोज़ टू योर हार्ट पर फिल्मों का आपका क्या ओवरऑल इम्प्रेशन है और भारतीयता का अगर आप डेफिनेशन हमें दे सकें कि भारतीयता होती क्या है अब फिल्में करीब हैं तो कॉलेज काल से हम सभी प्रकार की अच्छी फिल्में देखते थे बंगला मलयालम तेलुगु उस समय ये समांतर फिल्म नाम से एक नया एक ट्रेन चला था वो सभी फिल्में हम देखते थे इसलिए फिल्म यह एक समाज को एजुकेट करने का जागृत करने एक बड़ा प्रभावी माध्यम हो सकता है यह विचार आया और इसलिए भारतीय चित्र साधना की यात्रा शुरू हुई है लेकिन इसमें तीन शब्द है भारतीय चित्र साधना इसमें मैं चित्र यानी फिल्म विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ यहाँ बैठे हैं लोग एक्सपर्ट सामने बैठे हैं और आप भी हैं मैं भारतीय के बारे में जानता हूँ साधना जानता हूँ उस पर ज़्यादा बोलूँगा फिल्में खूब देखिए बात सही है तो भारतीयता क्या है इसको समझना आवश्यक है साधारणता यहाँ पर अनेक छात्र बैठे हैं ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है इसलिए फीचर फिल्म की बात मैं जानता भी कम हूँ और मैं कम करूंगा आगे इन लोगों ने जो शॉर्ट फिल्म बनानी है उसमें कैसे टॉपिक चुनने चाहिए भारतीयता को तो कैसे हम लोग उसमें उजागर कर सकते हैं समाज में है खूब दिखती है उसको देखना उसको दिखाने की दृष्टि आती है तो दिल को बात छू जाती है यह ध्यान में आता है तो भारतीयता क्या है उसको समझना भारत की कुछ विशेषताएं हैं कल ही यहाँ पर एक चर्चा हो रही थी शायद पहले ही सत्र था मनोरंजन या एजेंडा ऐसा एक विषय था तो प्रधान क्या है मनोरंजन है या एजेंडा है तो यह विषय वास्तव में भारतीय विचार का नहीं है क्योंकि भारतीय विचार बाइनरीज में नहीं सोचता है दिस और दैट यह नहीं है तो भारतीय विचार दिस एंड दैट दोनों है यह भारत की विशेषता है अब एजेंडा शब्द को एक अलग कॉन्टेशन जैसे आजकल के लिबरल लोगों ने लिबरल शब्दों को ही बहुत संकुचित कर दिया है इसलिए अभी अपने आप को लिबरल कहने का बड़ा संकोच होता है क्योंकि जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं दे लिबरल नॉन ओपन लेकिन मनोरंजन के लिए मनोरंजन कला के लिए कला ये भारत का विषय नहीं है भारत का विचार नहीं है तो हमारे यहाँ अब ये फिल्म ये कला ही है कल यहाँ पर खूब अच्छी तरह से कहा गया है और फिल्म में काम करने वालों को कलाकारी कहते हैं मतलब कला है ही तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि भारत हैज बिन यूनिक सोसाइटी कंट्री पीपल राष्ट्र क्योंकि उसका जो जीवन का दृष्टिकोण है व्यू ऑफ लाइफ है इट इज बेस्ड इन स्पिरिचुअलिटी वो अध्यात्म आधारित है इसलिए वो होलिस्टिक है इसलिए इंटीग्रल है इसलिए इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम है मैं थोड़ी लंबी बात करूंगा लेकिन फिर मैं इस विषय पर आऊंगा कल के चर्चा पर तो इसने भारत के पर्सनैलिटी को शेप किया है समाज का लोगों का उसका पहला सेलिन फीचर है भारत मानता है एकम सत्य बहुधा बदलती सत्य एक है ईश्वर एक है उसके नाम अनेक हो सकते हैं वहां तक पहुँचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं सब समान है ये भारत का विचार इसलिए भारत के साथ एक शब्द प्रयोग जनरली एक एट्रीब्यूट किया गया है कि हम टॉलरेंट हैं। ऐसा है ना हम सहिष्णु हैं ऐसा कहते हैं लेकिन टॉलरेंस शब्द ये भारत का नहीं है 1893 नाइन्टी थ्री शिकागो स्पीच जो स्वामी विवेकानंद गए थे इट वॉज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स उसमें अनेक रिलीजन के लोग आए थे मैक्सिमम वे आर बिलीविंग कि उनका ही रिलीजन सत्य है बाकी झूठ है इसको फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे बाकी नरक में ही जाएंगे उन्हें नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है हर बार ही आ रहा है उसके दो तो ही मार्ग है कन्वर्ट डेम बाय फोर्स फ्रॉड एलोमेंट और किल डैम असंख्य हत्याएं हुई है इसमें कुछ उदार विचार के लोगों को लगा दिस किलिंग डजन लुक गुड लेटेस्ट हाँ वे, है वेरी लिबरल आइडिया लेटेस्ट टॉलरेट देख द भारत का नहीं मैं जब कहता कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूँ मतलब मेरा तो मारने का मन कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा इससे नहीं मारूंगा आई विल टॉलरेट यू टिल यू गेट कन्वर्टेड तो भारत का विचार क्या है तो स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण में कहा था वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू तो सब का स्वीकार ये भारत की विशेषता है टॉलरेंस नहीं है इसलिए उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेर इन एवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन बिकॉज वी डू नॉट एक्सक्लूड एनी बड़ी एनी थिंग जनाचर सृष्टि में इसलिए हमारे यहाँ सभी मंदिरों में आरती होती है आरती के अंत में धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो सारे भारत के सभी मंदिरों में होता है इस भगवान को मानने वालों का कल्याण ऐसा कभी नहीं कहा है ये भारत का विषय है तो नैरेटिव कैसा हो तो हम सहिष्णुता नहीं सबका स्वीकार ये भारत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू सी यूनिटी इन द डाइवर्स फॉर्म और डायवर्स मैनिफेस्टेशं ये भारत की विशेषता है इसलिए इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ये हमको सबको बताया जाता है लेकिन ये सही नहीं है वी डोंट हाइवर्स कल्चर्स सही है यानी हम जो फिल्म बनाएंगे जो करेंगे स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें अगर शब्दों का ठीक चयन करेंगे अपनी बात सीधी पहुंच सकती है एक बार मणिपुर इम्फाल में मेरा एम बी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत थी मेरे पहले के वक्ता ने मेरा परिचय कराया थोड़ा ही टॉक अबाउट द टॉपिक आल्सो ही डिस्क्राइब कि भारत इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा नहीं था कि मैंने ये बात वहाँ पहली बार सुनी थी कि पहली बार मुझे खटकी हो फॉर द फर्स्ट टाइम इट केम टू माई माइंड ये सही नहीं है जब मेरी बारी आई तब तो मैंने कहा कि इन सज्जन ने जो कहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ये सही नहीं है सब लोग चौंक गए आपके मन में प्रश्न होगा ही फिर मैंने कहा सही है कि इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी तो सबने तालियां बजाई और वो स्वयंसेवक नहीं थे तो उनके दि दिल को बात छू गई हाँ ये बात सही है तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का सिखाने वाली हमारी कल्चर संस्कृति एक है उसका आधार अध्यात्म है इसलिए तीसरी विशेषता है कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन अब यह सोल शब्द स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से लागू होता है तो दोनों में यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली है यह केवल भारत मानता है एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करते हुए ये अंदर के देवत्व को प्रकट करना है इसके चार मेजर मार्ग बताए है भक्ति योग कर्मयोग ज्ञान योग राजयोग भारत के बाहर विचार होता तो यू कैन चूज या वो यहाँ स्वामी विवेकानंद कहते एनी ऑफ दिस फोर और मोर और ऑल एंड बी फ्री तो प्रत्येक व्यक्ति का मुक्ति के तरफ जाने का मार्ग इंडिविजुअल उसके प्रकृति के अनुसार हो सकता है इसलिए विवेकानंद ने शिकागो स्पीच में शिव महिम ने स्त्रोत्र को कोट किया था रुचि नाम नामा पत एक परिवार में पांच लोग हैं माता पिता तीन बच्चे हैं माँ ने खाना बनाया सब्जी बनाई लेकिन एक बेटे को लगता है कि सब्जी में थोड़ा तीखापन कम है थोड़ी मिर्ची की चटनी मिला लेती है किसी होता है थोड़ा खट्टा चाहिए थोड़ा नींबू निचोड़ लेगी तीसरा थोड़ा मीठा गुड डाल देगी थोड़ा नींबू करेगी हर व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार थोड़ा एडजस्ट करके उस भोजन का आनंद लेता है ये भारत की विशेषता मुख्यता रही है ये मेरी उपासना इसको हमारे यहाँ रिलीजन कहा है विच इज टोटली डिफरेंट धर्म। रिलीजन को हमारी भाषा में उपासना कहेंगे इसलिए मेरी उपासना का मार्ग चुनने का मुझे पूर्ण स्वातंत्र है हर एक की अलग अलग टेस्ट हो सकती है इसलिए हमारे श्रेष्ठ चिंतक ठेंगड़ी जी कहते थे कि भारत में रिलीजन इज पर्सनल एज पर्सनल एज वंस ओन टूथ ब्रश हर एक अलग अलग होता है एंड वी हैव द लिबर्टी फ्रीडम टू चूज माई ओन टेस्ट इसलिए हमारे यहाँ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है ये भारत की विशेषता है अब मुक्ति के बाद आती है तो मोक्ष मुक्ति की तरफ जाना इसलिए हमारे यहाँ हमारे जितने भी कार्यकलाप समाज में हैं उनका उद्देश्य मुक्ति की तरफ जाने का होना चाहिए इसलिए विद्या के लिए कहा है सा विद्या या विमुक्त ये कला के लिए कहा है सा कला या विमुक्त ये इसलिए कला के बारे में जो कहा है सत्यम शिवम सुंदरम तो फिल्म अगर कला है उसके माध्यम से हमको सत्य बताना चाहिए विचार बताना चाहिए उसको आप एजेंडा मत कहिए अजेंडा मतलब जो मैं सत्य मानता हूँ वही कहूँगा और दूसरे किसी को नहीं आने दूंगा जो सेमेटिक थॉट का मूल है वो यहाँ ऐसा नहीं है सत्य एक है उसके देखने के तरीक अलग हो सकते हैं उसका परसेप्शन अलग हो सकता है सब सब हरे को अपनी बात कहने का अधिकार है तो मुझे यह सत्य बताना है मेरे हर कृति के माध्यम से कलाकृति के माध्यम से और मुझे उस देखने वालों के अंदर जो शिवत्व है जो अच्छाई है जो डिविनिटी है उसको प्रकट करने का एक मौका देना है और वो कलाकृति सुंदर होनी चाहिए उसमें कल ये भी है इसलिए यह विचार के साथ शिवत्व के साथ सुंदरता से प्रस्तुत करना यह असली कला है हर कला में ये बात आती है नृत्य हो पेंटिंग हो संगीतों इतनी सुंदर रागदारी होती है लेकिन उसके अगर लिरिक्स आप देखेंगे उसमें भी ताकत है शब्दों का एक महत्व होता है इसलिए ये बात आती है मुझे जो कहना ऐसा है कि भारत को हम ठीक से समझेंगे तो अपनी छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से हम इसको कह सकेंगे और ये भारत की स्पिरिचुअलिटी अनेक रूपों में मैनिफेस्ट होती रही है आज भी हो रही है क्या हम इसको देख कर हम देखते तो है उसको हम लोग इंटरप्रिट नहीं करते हैं हम कर कर सकेंगे क्या जैसे एक मैं भी बात कर रहा था तो ऑंगस मेडिसन का पुस्तक है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स उसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड में भारत का शेयर इस पीसन एक से पंद्रह सौ तक तो, हाइस्ट तीस से अधिक था जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर दो से कम था बेचते क्या थे हम वी आर मेड टू बिलीव कि भारत कृषि प्रधान देश है सबने यही सुना है यहाँ खेती अच्छी थी लेकिन हम अनाज बेचते नहीं थे और व्यापार करने जाते फिर बेचते क्या थे अनाज खाते थे खिलाते थे और बाल्टर के रूप में उसका उपयोग होता था हमारे यहाँ इंडस्ट्री अच्छी थी मरे जानवरों के चमड़े को टैनिंग करके उससे अनेक वस्तुएं बनती थी कानपुर आगरा में बहुत पुराने समय से ये इंडस्ट्री है यहाँ पर अच्छे मेटलर्जी थी आयरन और से आयरन एक्सट्रैक्ट करना हो कास्ट मोल्डिंग कास्टिंग कॉपर ब्रास का यहाँ पर एलोए बनते थे पोर्टेबल फर्नेसेस होती थी और घर की महिलाएं भी इसमें खूब जानकार होती थी एक हमारे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में गए थे ट्राइबल एरिया में कुछ महिलाएं कुछ पहाड़ से कुछ मि मिट्टी टोकरी में लेकर आई उन्होंने कहा उनका भाषण अवेलेबल है यूट्यूब पर एक हीप से उन्होंने इनके सामने आयरन स्टार्ट करके एक छोटा टुकड़ा गला कर दिखाया ये आयरन बनाया दूसरे से कॉपर बनाकर दिखाया तब उन्होंने कहा उनकी पोती सुखदा नाम की थी उन्होंने कहा दादी ये अच्छे व्यक्ति देखते हैं तीसरा वाला भी दिखाओ तीसरे में गोल्ड था इस लेडी ने बताया ये फॉर्मली अनपढ़ लेकिन वो स्पर्श से स्मेल से शी कुड मेक आउट ये आयरन ओवर है कॉपर ओवर है गोल्ड ओवर है उसने कहा ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है उसको उसकी माँ ने सिखाया है फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी इस विषय में थी। मैं पंजाब में गया था जगह बात कर रहा उन्होंने कहा हमारे गांव में घर में दरी बुनने की परंपरा थी और मेरी दादी उसमें एक्सपर्ट थे तो ये उद्योग जो बनते थे यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री अच्छी थी क्योंकि भारत के फूलों में सुगंध होता है भारत के बाहर सुंदर रंग होते हैं सुगंध नहीं होता है यहाँ पर कपड़ा को बच्चा बनता था स्पाइसेस थे ये सारे कहाँ बनते थे तो कारखाने नहीं थे तो घरों में बनते थे घर उद्योग प्रत्येक घर में उद्योग था इसलिए भारत का सही वर्णन कृषि प्रधान देश नहीं उद्योग प्रधान देश है ये होना चाहिए और इस वेल्थ क्रिएशन में घर की माता महिलाओं की एक्सपर्टीज थी और बच्चे घर में सीखते थे उनको आईटीआई आई जाने के लिए जरूरत नहीं थी वही स्किल सीखते थे सारे और जब पुरुष वर्ग बेचने के लिए बाहर जाते थे दिवाली के बाद बारिश कम होने के बाद तब घर का सारा कारोबार महिलाएं संभालती थी पैसा इनके पास ही रहता था देवियर द मास्टर ऑफ द एंटायर जो भी काम काज था इसलिए उसको गृह लक्ष्मी इसलिए कहते थे और फिर ये बारिश के पहले लौटते थे तब तो ये संभालती थी इसलिए पुराने फिल्मों में ऐसे गीत क्यों आते होंगे ये समझ में आता है पढ़ने के बाद पहले गीत ऐसे आते थे कि सावन आया बादल आए मेरे पिया नहीं आए ऐसे गीत थे क्योंकि अब पोस्ट तो नहीं था टेलीफोन नहीं था कैसे पता चलेगा बादल सावन आने वाला है उसके पहले उनको आना है क्योंकि खेत में बुआई करने काम करना है तो इट लिंक्ड इसलिए बादल आए तो ज्यादा आतुर होते थे अरे अब आएंगे इतने दिन हो गए नहीं मिले वगैरह सा या पिया गए परदेश वगैरह से गीत होते थे वो कारण ये होता था सहज है इसलिए हमारे यहाँ साधारणता आषाढ़ मास से कार्तिक मास इस चार पांच महीनों में सर्वाधिक त्योहार क्यों आते हैं क्योंकि क्योंकि पति घर में रहते थे उस समय फिर बाहर निकल जाते थे तो ये सारा देखने का दृष्टि रहेगी एक सुंदर ब्यूटीफुल भारत की परंपरा है जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था ये जो वनसारा लोग जिनको कहते हैं उनका मूल नाम वाणिज्य हारा है उनके बाद ऊंट घोड़े ऐसे साधन होते थे जिन पर लाद कर लोग व्यापार करने दूर दूर तक तो जाते थे और इनको सारे रास्ते पता थे ये उस जमाने के गूगल थे तो दादाजी को पता था उनका बेटा पोता साथ ही चलते थे अपने आप उसको पता होता था कि कहाँ जाना है इतने दूर दूर जाते थे कहाँ मुड़ना कहाँ रुकना नदी कहाँ उथली है ताकि पार कर सकते वगैरह दे वेरी एक्सपर्ट देर वेरी रिच पीपल ऑल्सो इसलिए ऐसे एक भारत और भारतीयता को समझ हम अपने कहानी के माध्यम से शॉर्ट फिल्म के माध्यम से कहेंगे तो पैसा कमाना केवल हमारा तो भारत के लोग व्यापार करने दुनिया भर में गए बट वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम वी डिड नॉट ट्राई टू प्लंडर देर रिसोर्सेस वी डिड नॉट ट्राई टू एंसलेव गुलामों का व्यापार नहीं किया लूट कैसे की पूरा इतिहास है एक अभी मैंने एक चुटकुला सुना एक दूसरी कक्षा के बालक को उसकी माँ डांट रही थी कि तुम्हारे मैडम का फोन आया था स्कूल से कि तुम्हारे क्लासरूम में जवाब पॉलिटिकल होते हैं सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट को कि कंप्लेंट थी इसके जवाब पॉलिटिकल होते हैं ऐसा माँ डांट रही थी तो उसने माँ से कहा टीचर आस्ट अस वायर पिरािड्स इन इजिप्त आई टोल्ड दे टू हेवी फॉर द ब्रिटिश टू स्टील इसलिए है थोड़े भी हिला सकते है, तो, तो लेकर जाते है, ऐसा उसका कहना था अब ये इतना सही है लेकिन भारत ने ये नहीं किया है क्यों नहीं किया अरे ये मतलब वसुदेव वो दूसरे थे ही नहीं रमन महर्षि को पूछा हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स उनका उत्तर था देर आर नो अदर्स तो ये भारत है तो अपने कैसे कैसे बातें कहानी के माध्यम से आते हैं तो एक एक अपने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पहले दूसरे में एक छोटी फिल्म आई थी मेरे दिल में पक्की बैठ गई है पांच डायलॉग केवल है तीन मिनट की फिल्म है यानी जब हम फिल्म बनाएंगे तो कम से कम शॉर्ट फिल्म शुड बी रियली शॉर्ट एक्चुअली लेकिन एक दो तो वाक्यों में ऐसी बात छू जाती है चुप जाती है एक सेवंथ ग्रेड की एक बेटी स्कूल से अपना रिजल्ट लेकर आती है सीढ़ियों पर घर में प्रवेश करने के पहले माँ और बेटी बैठी है और माँ उसके रिजल्ट देख रही है एक एक गणित में इतने मार्क मिले हिंदी में इतने मार्क मिले फिर इंग्लिश का पेपर आता है तो वहाँ जीरो मिला है तो माँ कहती है बेटा इसमें तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं वो कहती है माँ इसमें हमको हमारा सपना लिखना था इंग्लिश में तब तो माँ कहती है कि बेटे तुम तो तुम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो लिखा क्यों नहीं वो कहती है माँ हमें इंग्लिश सपने नहीं आते हैं एक ही वाक्य कितनी बात माँ एकदम गंभीर होती है फिर ये कहती है बेटी मेरे सपने में कौन आते है परी आती है ये आते है कौवे आते है कछुआ आते हैं खरगोश आता है नाना ना आते, ना आते है नानी आती है अब तुम ही बताओ माँ इनमें से कौन बोलते हैं अंग्रेजी में और सीरियस होती है और आखिरी का वाक्य है वो कहती है माँ हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं अब हमारे सपनों को तो अपनी जुबान में रहने दो इतनी छोटी है ने? एक एक डायलॉग कैसा है अभी मुझे एक नावेलिस्ट मिले उनकी एक नई नॉवेल आई है तो एक वाक्य एक वाक्य इतना चुप जाता है मन में उस नावेल में उन्होंने एक वामपंथी कम्युनिस्ट ऐसे एक्टिविस्ट को एक व्यक्ति के माध्यम से एक वाक्य कहा केवल वो तो वाक्य उसको कहता है वो आदमी उस एक्टिविस्ट को कहता है कि कार्ल मार्क्स ने तुमको बताया कि धर्म अफीम है इसलिए तुमने धर्म छोड़ दिया लेकिन अफीम नहीं छोड़ी एस एक वाक्य की फिल्म बन सकती है एक्चुअली अरे शब्दों में ताकत है तो ऐसे व्यंग हम देख सकते क्या एक बार कुरुक्षेत्र में एक संघीय बैठक थी तो एक कार्यकर्ता मेरे साथ प्रबंधक के नाते था वहाँ पल पल में वो बी पढ़ रहा है मैं तरुणों को युवकों को हॉबी पूछता हूँ तो सिंगिंग डांसिंग प्लेइंग स्पोर्ट्स वगैरह रीडिंग ऐसी आप बताते उसने कहता है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ कहानी लिखता हूँ अब कहानी लिखने वाला कॉलेज स्टूडेंट हॉबी के नाते मुझे पहली बार मिला था मैंने पूछा कैसे कहानी लिखते हो तो उसने कहा कि अभी 2009 की बात है लोकसभा के पार्लियामेंट इलेक्शन हो गए थे उसने कहा कि मेरे रूममेट ने चैलेंज किया मी टू राइट अ स्टोरी ऑन द इलेक्शंस तो उसने कहानी लिखी छोटी कहानी है इतना, इतना बड़ा व्यंग है उसमें वो कहानी आता है कि एक जगह चुनाव की घोषणा हुई और चार उम्मीदवारों ने अपना कैंडिडेटचर नामांकन दाखिल किया वो चार उम्मीदवार के नाम थे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन फूड पोल्यूशन और हर एक ने कहा कि ह्यूमन बीइंग यही सिंबल मुझे चाहिए अब चुनाव अधिकारी के सामने प्रश्न आया एक को मिलेगा बाकी को कुत्ता घोड़ा पेड़ ऐसा कुछ लेना पड़ेगा तो चारों को बुलाता है चारों उम्मीदवारों को और कहता है कि यू तो कन्विंस मी कि तुमको ही क्यों चाहिए यह सिंबल मनुष्य का मैं जिसके लिए कन्विंस होऊंगा उसको दूंगा, बाकी को अन्य चिन्ह लेने पड़ेंगे फिर हर उम्मीदवार उम्मीदवार नाम याद करिए कौन कौन थे हर उम्मीदवार कहता है कि ह्यूमन बीइंग चिन्ह सिंबल मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि इस मनुष्य के ह्यूमन बीइंग के मुझ पर बहुत उपकार है इस ह्यूमन बीइंग ने मुझे जन्म दिया है और मुझे पाल पालपोषक आज इतना बड़ा किया है मैं चुनाव लड़ने के काबिल हुआ यहाँ कहानी पूर्ण होती है अब ये जो ह्यूमन बीइंग है ह्यूमन सोसाइटी है जिन्होंने ये चार विकराल समस्याएं खड़ी की है सारे दुनिया में ये अनपढ़ नहीं है गरीब नहीं है पिछड़े नहीं है तो सो कॉल्ड मोस्ट डेवलप्ड प्रॉस्परस रिच सोसाइटीज ने एक 400 वर्षों के जो साइंस का एडवेंट हुआ 400 वर्षों में इतनी बड़ी समस्या खड़े कर दी है और भारत का एक समृद्ध संपन्न जीवन एटलीस्ट ट्वेंटी थाउजेंड ईर्स का ऐसी कोई समस्या निर्माण नहीं हुई यानी कितना बड़ा व्यंग उसने एक छोटी कहानी के माध्यम से रखा है तो मुझे लगता है की ऐसे एक भारत को धन कमाना अलग बात है हम लक्ष्मी की साधना करते हैं इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है अब मुझे तमिल वगैरह के बारे में पता लेकिन हिंदी यदि जहाँ जो भाषा में जानता हूँ वहाँ सभी जगह जब पूजन होता है घर में तब शुभ लाभ ऐसा लिखा रहता है वो केवल लाभ नहीं लिखा है ध्यान में वो शुभ पहले आता है बाद में लाभ आता है तो इसका एक बड़ा महत्व है इसका एक सांस्कृतिक महत्व है इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है मुझे कमाना भी है लेकिन मेरे इसमें कैसे देखना है तो दिसंबर 2015 फिफ्टीन जो मेरा प्रवास था अरुणाचल प्रदेश में मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ लाल चाय पीता हूँ हम चार लोग थे उस समय जो विवाह प्रचारक थे आज यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे दो ढाई दा, घंटा यात्रा हुई तो कहीं ब्रेक लेने का विचार हुआ तो एक होटल मिली तो वहाँ रुके एक माता जी होटल चला रही थी मेरे लिए नॉर्मल वो लाल चाय आई बाकी तीन लोगों ने दूध की चाय पी विभाग प्रचारक जो यहाँ बैठे अभी अभी क्षेत्र के प्रचार प्रमुख है तो वो पेमेंट करने गए तो मैंने देखा बैठे बैठे कि कुछ डिस्प्यूट है पेमेंट के बारे में मैं काउंटर पर गया डिस्प्यूट था डिस्प्यूट ऐसा था ये कार्यकर्ता उसको चार कप चाय के पैसे दे रहा था लेकिन वो तीन कप के लेने के लिए तैयार थी मैंने कहा बहन जी मैंने चाय पी है हम चार लोग हैं आपने चार कप चाय के पैसे लेने चाहिए उसने कहा भाई साहब आपने पी वो चाय नहीं थी पानी था पानी के पैसे नहीं होते हैं ये क्या बात है अब वो महिला अनपढ़ नहीं थी एकदम आधुनिक शायद नहीं पढ़ी होगी एंड एवरी राइट टू कैलकुलेट कि चाय पत्ते खर्च हुई है गैस बर्न हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस है किराया है सर्विस तो नहीं, मेरा नहीं मेरा नहीं ये जे एन यू के लेडी प्राध्यापक के साथ मैं बात कर रहा था जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में ये किस्सा बताया एक प्राध्यापक ने कहा कि वो लोग लेह लद्दाख से कार से आ रहे थे छोटे बच्चे साथ में थे दूध की जरूरत पड़ी रोड किनारे होटल देखकर गाड़ी रोकी दूध गर्म करके लिया पूछा कि इतना पैसा हुआ। उसने जी बच्चों के के पैसे नहीं होते आ, उसको हुआ जिस होटल में रोकी तो करते थे इसका। ऐसी दस माताओं ने मुझे भारत भर कहा हुआ बच्चों के दूध के पैसे नहीं लिए ये जो ऐसी अनेक बातें मैं कह सकता हूँ और ये कोई रामायण काल के तो घोर कलियोग की कहानिया ईशावासी उपनिषद का तेना त्यूंजी ताका सीधा मैनिफेस्टेशन है कमाना है लेकिन त्याग भाव से कमाना है भोगना है एक हमारे विशाखापट्टनम के कार्यकर्ता क्षेत्र संघ चालक है वो प्रवास पर जा रहे थे बारह बजे एक जगह रुके भोजन के लिए एक छोटे होटल में जैसे भोजन आया खाना शुरू करने वाली इतने में एक भिकारी बेगर उनके पास मांगने आई जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए तो हॉटल के मालिक ने देखा इनको रोका ऐसा नहीं कहा भाई साहब आज आप दोगे कल कौन देगा ऐसे रोज आते इनकी आदत खराब मत करो ऐसा नहीं कहा वॉट इज स्टेट वॉज टोटली डिफरेंट उन्होंने कहा भाई साहब ये मेरे होटल में आया है आपको नहीं मुझे देना है ये 2016 की बात है यानी एशियावासी उपनिषद का अगला जो श्लोक है महाग्रदा उसका उदाहरण है हम भारत को ठीक जानकर समाज में देखेंगे विल गेट एम्पल एग्जाम्पल्स वेर पीपल आर लिविंग इट इसलिए कोरोना काल में आखिरी बात कहूंगा फिर कुछ प्रश्न के लिए लुकूंगा कोरोना काल में यह बात देखी है कोरोना पैंडेमिक दुनिया भर के के सभी देशों में था भारत सिवाय इन ऑल द द कंट्रीज इट ओनली स्टेट मशीनरी एम्प्लॉयज वर्किंग सेविंग सर्विंग पीपल भारत इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर सरकारी मशीनरी ने एम्प्लॉज ने खूब अच्छा काम किया जी जान से परंतु लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं और बाढ़ अर्थक्वेक के बाद जाकर सेवा देना अलग बात है रेल का एक्सीडेंट हुआ तब जाना अलग बात है जैसे उड़ीसा में हुआ था एक हाईली इंफेक्शस बीमारी है मेरी जान को खतरा है यह जानकर भी लाखों लोग युवक युवती महिला पुरुष गांव में ट्राइबल एरिया में शहरों में बाहर निकले सारे भारत में निकले यह क्या है क्यों निकले इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई वाज टॉकिंग विद सम ट्राइबल गर्ल्स इन छत्तीसगढ़ मैंने पूछा क्यों किया जान को खतरा है ये जानकर भी क्यों गए लोग बाहर एक एक बेटी ने कहा खड़े होकर उसने इतना सुंदर उत्तर दिया सिंपल भाषा में उसने कहा क्यों किया मतलब मन नहीं मान रहा था ऐसा उसने कहा दैट इज द रीजन एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन ऐसा बन जाता है कि जो अपने नहीं वो भी अपने लगने लगते हैं तो करने का मन होता ही है हमारे या उसको धर्म कहा है धर्म क्लोज योर कैपिटल आई ओपन योर आइज देन द सरकमवर्स ऑफ वी एक्सपैंड्स तो जो हमारे नहीं वे भी अपने लगने लगते हैं अपनों के लिए करना मन होता ही है दैट इज धर्म उपासना रिलीजन है रिलीजन धर्म के लिए होती है धर्म स्वयं धर्म है धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन धर्म ही है जैसे घी को घी कहते हैं ऐसे धर्म को धर्म कहते प्रसाद को प्रसाद कहते आरती को आरती कहते क्योंकि ये कंसेप्ट ही वहां नहीं है इसलिए अलग शब्द नहीं है तो ये इसको भारत को हम ठीक समझे इस भारत की आध्यात्मिकता को जो आज भी देख रही है कुछ आइवरेशन है ऐसे जो गलत बातों को भी एक्सपोज करना है लेकिन ये पहले से नहीं था पहले कुछ और था इसलिए फिर से उनको ठीक करना है ऐसा विश्वास दिलाना तो समाज परिवर्तन समाज जागरण एक अपनी पहचान के बारे में एक विश्वास जगाना यह काम लोक शिक्षण का काम हम ये फिल्म एक प्रभावी माध्यम है क्योंकि उसमें ऑडियो है विजुअल है वहाँ पर अभिनय है यानी सभी जितनी कला है संगीत है चित्रकला है गायन है वादन है अभिनय है ये सारी बातें एक साथ है इसमें इसलिए इट इज मोर इफेक्टिव इसलिए जरा सोच समझकर इसका ठीक से विचार करेंगे इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल ये भारत का भारत जो नकारा गया है सोया हुआ है लेकिन इतने सारे प्रयत्न के बाद भी अभी टिका हुआ है वो जग रहा है अब ये जगने का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहा है इसके परिणाम हमको तो सारे भारत में अनेक विविध क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं इसको जगाने में सबसे ईजी वेरी इफेक्टिव माध्यम घर बैठे बैठे मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री कैन बी देयर इसलिए इसके बारे में मुझे जो कहना था और खूब विषय है दो दो चार चार वाक्यों के भी ऐसी फिल्म बन सकती है और हम प्रभावी रीति से अपनी कला को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है मनमोहन जी मुझे आपसे एक, एक और सवाल पूछना है जल्दी से और फिर हम ऑडियंस के लिए मंच खोल देंगे अभी भी हिंदी फिल्म जगत हो या फिल्मी जगत हो उसकी पकड़ वामपंथियों के हाथों में है और वो एक डेफिनेटली एक लेफ्टिस्ट नैरेटिव को प्रधान रखते हैं आपने मुझे एक बार ही एडवाइस किया कि आप टगोर का स्वदेश स्वदेशी समाज जी <coughs> और मैंने पढ़ा और मुझको आई मीन टगोर इज वन ऑफ आ ग्रेटेस्ट राइटर्स एवर और वो पढ़ के मुझे लगा कि देखिए इसमें इनमें राष्ट्रीयता का भाव इतना था एंड येट ही वाज डूइंग क्रिएटिव वर्क और आजकल की युवा को ये मैसेज होता है कि अब वर्ल्ड इज ग्लोबल आप अपने रूट से अलग होइए राष्ट्र से अलग होइए दैट इज जिंगोइज्म और फिर यू कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड क्रिएटर तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इतने युवा दोस्त बैठे यहां उनको आप थोड़ा बहुत टगोर के बारे में बताइए क्योंकि मेरे लिए ये काफी प्रभावशाली था जब आपने ये सजेस्ट किया भारत का विचारी वसुधैव कुटुंब का है इसलिए भारत परिवार के नाते ग्लोब को देखता है जो पश्चिम का ग्लोबल आया है वो मार्केट के नाते देखता है उन्होंने खूब शोषण किया है अभी भी कर रहे हैं इसलिए ग्लोबल पैरासाइट्स नाम की एक पुस्तक है जो पढ़ना चाहे पढ़े तो पैरासाइट्स क्या होते हैं कि ऐसे जीव दूसरे जीवों का शोषण करके अपना पोषण करते हैं। उनका कहना है लेखक का जेरेमी में सिवरू परेरा दो लेखक है गोवानीज क्रिश्चियन से सुंदर पुस्तक है कि पश्चिम का नेचर यह रहा है कि लूटना एक्सप्लोइट करना शोषण करना शोषण से पोषण करना उन्होंने कहा कि देयर आरम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कीप ऑन चेंजिंग फर्स्ट इट वाज रिलीजन देन इट वाज एंपायर नाउ इट इज आईएमएफ डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड बैंक स्पष्ट लिखा है और बाद में वर्ल्ड बैंक में जो अधिकारी थे उनकी पुस्तक आई है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन ये ग्लोबल ग्लोबल का शब्द अलग है भारत ये सारी वसुधा को एक परिवार पहले से मानता रहा है क्योंकि भारत की जड़े भारत के में जड़ी है भारत के विचार सारे केवल मानवता नहीं तो चराचर जगत को साथ लेकर चलने का रहा है तो टागोर ने ये दो बातें मुख्य मैं कहूंगा उनके बारे में तीन बातें पहला उन्होंने आई गॉट अट्रेक्टेड टुवर्ड्स टागोर बाई वन ऑफ इज कोट आई रेड इन गुजराती मुझे आश्चर्य हुआ हुआ ठीक कि नहीं इसलिए मैंने बंगाली कोट देखा मुझे बंगला भाषा में आती है तो बंगाली में वही था फिर मैंने पूरा उनका स्वदेशी समाज ऐसे पढ़ा वो कोट ऐसा है अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना यही भारत का अंतरनीय धर्म है भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पर को दुश्मन नहीं समझता इसलिए नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे उनके विशेषताओं को पहचान कर उनको प्रिजर्व करते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है आगे वो कहते हैं इसलिए भारत में हिंदू मुसलमान बुद्ध ईसाई परस्पर लड़ते हुए देखेंगे पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे वे यहाँ एक सामंजस्य एक बैलेंस स्थापित करेंगे ही यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा वह होगा विशेष भाव से हिंदू इतने क्लियरली हिंदुत्व की बात उन्होंने कही यह बहुत महत्व की बात है दिस कोट अट्रैक्टेड मी दूसरा उन्होंने कहा सबसे पहले हमें हम कौन है वह बनना पड़ेगा हैव टू बी वी एक्चुअली आर अब तक हम लोग इस हम के दूर भाग रहे थे पश्चिम के नकल करते हुए 2014 के बाद ये हम पहली बार प्रकट हो रहा है धीरे धीरे इन एवरी फील्ड ऑफ द नेशनल लाइफ ये ध्यान में आता है दूसरी बात है और तीसरा उन्होंने कहा स्वदेशी समाज में वेलफेयर स्टेट वॉज ये पश्चिम का है स्टेट नेशन कंसे वहाँ का है जुडिशियरी फॉरन अफेयर डिफेंस सिक्योरिटी ये चार विषय केवल राजा के पास होते थे बाकी हेल्थ एजुकेशन कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री मंदिर मेला संगीत नाटक कला इसके लिए समाज के अपने खुद की व्यवस्थाएं थी इसके लिए राजकीय कोष से धन नहीं आता था जैसे एक खम्बे पर खड़ा तंबू है वह खम्बा टूटता है तंबू जमीन पर आ जाता है परंतु चार पांच खम्बों पर खड़ा तंबू है एक खम्बा टूटता है इट विल स्टिल बी इरेक्ट और थोड़ा डिशेप होगा और टूटे खम्बे को फिर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी वी हैड हैजमेंट इसलिए भारत में पश्चिम में नेशन स्टेट है यहां समाज पीपल आर द राष्ट्र इसलिए राज्य ने नहीं समाजार्थ राष्ट्र इसलिए यहाँ पर आक्रमण हुआ राजा पराजित हुए पर राज्य भी आया राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है ये और एक पुस्तक आप अगर पढ़ सके दिश एंड द स्पाइडर उन्होंने इसी बात को कहा है कि स्पाइडर के सभी लाइफ सेंटर्स उसके हेड में कंसेंट्रेट होते है करो, स्टार फिश ऐसी है उसके लाइफ सेंटर पूरे बॉडी में बिखरे होते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू के

हम सब ने आपको क्यों लगता है कि आ, बॉली आ, आ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आ, शो बिजनेस में बिजनेस और शो ज़्यादा रहता है आई थिंक गजेंद्र जी अग्री करेंगे और बॉक्स ऑफिस पे अब जो फिल्में चल रही हैं वो राष्ट्रीयता के बारे में है राष्ट्रवाद के बारे में वो बस्टर हिट्स हो रही हैं पर पहले के दौर में ये ऐसी फिल्में चल नहीं रही थी पहली फिल्में चल रही थी वो एन लव स्टोरीज और गानों पे या डांस पे या फैशन पे तो ये शिफ्ट व्यूअर्स में क्यों आया है वो एक सवाल है दूसरा सवाल मैं मैं सोचती हूँ काफ़ी दूरदर्शिता थी भारतीय चित्र साधना की कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल पे आपने इसको केंद्रित किया क्योंकि आज जो माहौल है स्पेशली जेन जी जिसे हम बुलाते हैं आज के युवा पीढ़ी उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है पर कल मैं जब मैं ट्रेन में भी आ रही थी तो एक 19 साल की लड़की मेरे बगल में बैठी थी और पूरे रास्ते वो रील्स ही देख रही थी एक मिनट की दो मिनट की तो ये बिल्कुल चेंज हो गया है और मुझे लगता है कि भारतीय चित्र साधना को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने साल पहले देख लिया था कि कंजम्पशन व्यूअर कंजम्पशन कन्जम्पन टेस्ट आर चेंजिंग तो ये दो मेरे सवाल हैं पहले ऐसा कि भारत में इस राष्ट्र भाव को नकारने के एक फैशन चल पड़े कि हम जो है दुनिया जिस भारत को जानती है वेस्टर्न के प्रभाव में उस भारत को नकारना एक नया भारत पश्चिम की नकल करता हुआ दिखाने के सर्व सामान्य जन में ये भाव पड़ा हुआ है उसको डालना नहीं है जगाना केवल है तो जगाने के प्रयास भी चल रहे थे इसलिए अभी क्यों क्या हुआ है तो एक लंबी प्रोसेस चल रही थी एन एडिटोरियल ऑफ संडे गार्डियन जो ब्रिटेन से पब्लिश होता है तो सिक्सटीन में 2014 को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इट वाज फ्राइडे तो संडे गार्डियन एटीन में का इट कैरीज द एडिटोरियल ये ध्यान में रखना है इट्स एन एडिटोरियल नॉट एन आर्टिकल बाय सम ऑथर फ्रॉम ए वीकली पेपर पब्लिश फ्रॉम ब्रिटेन

ब्रिटेन रूल दिस सब कॉन्टिनेंट इंडिया अंडर कांग्रेस पार्टी वाज़ इन मेनी वेज ए कंटिन्यूशन ऑफ ब्रिटिश राज पाए दर मीन्स ये उनके पहले तीन वाक्य लेकिन कॉल इट बोल्ड इट्स ट्रू हिम्मत कहने के लेकिन इससे भी इन एक वाक्य उन्होंने उस संपादकीय के ऊपर लिखा है वो बहुत महत्व का है वो ऐसा है वो लिखते हैं दैट दैट इट शुड बी द अंडरलाइन चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी हैज मिस्टर मोदी एंड नॉट द अदर वे राउंड यानी भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए हैं उसके कारण मोदी आए हैं उनके कारण परिवर्तन नहीं हुए हैं तो ये परिवर्तन किसने लाए हैं तो एक भारत के अध्यात्म को लेकर जो शक्तियां चल रही है उसमें संघ भी एक है अनेक साधु संत अधिक अनेक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है इन सब के क्यूमुलेटिव प्रयास से अब ये भारत अपने की अपनी असली पहचान लेकर आगे बढ़ रहा है इसलिए उसके इस भारत को दुनिया मानने लगे क्योंकि दुनिया इसी भारत को जानती थी प्रभात प्रकाशन ने चार वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं द इंडिया दे सौ बाहर से जो लोग आए भारत में उन्होंने भारत को जो देखा वो भारत उनको नहीं दिख रहा था बीच में अब वो दिख रहा है तो दुनिया भी आश्वस्त है भारतीय सारा समाज गौरवान्वित गव, है सामान्य समाज और बाकी लोग जो सो so कॉल्ड है वो भी धीरे धीरे इस समाज के जागरूक से प्रभावित हो रहे उनको धीरे धीरे इसमें आना पड़ेगा यह भारत की मूल प्रकृति है और ये चलने वाला है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ टाइम इज दैट इट ट्रेवल्स इन ए लीनियर वे एंड भारतीय कंसेप्ट इज टाइम ट्रेवल्स इन ए साइक्लिक वे इसलिए काले चक्र कहा है हमारे यहाँ तो काले चक्र में डिसेंड एसेंड चलने वाले हैं ऐसा ही घूमता रहेगा तो भारत का भी एसेंड शुरू हो गया है अब ये चलने वाला ही है क्योंकि दुनिया को इसकी आवश्यकता है इसलिए आत्म, आत्मनवोक्षार्थब जगत हितायच ये रामकृष्ण मिशन का स्टेटमेंट है तो भारत के गौरव के लिए विश्व के कल्याण के लिए भारत का आगे बढ़ना है डॉक्टर राधा कृष्णन की पुस्तक है हिंदू वे ऑफ लाइफ सबने पढ़े पढ़ने उन्होंने कहा बहुत पहले लिखे उन्होंने वर्ल्ड सोल्यूशन क्या है द एक्सपीरियंस एंड भारत ओनली हैज हिस्ट्री ऑफ डूइंग इट उन्होंने कहा कि इस सारे के लिए देर इज ओनली वन हिंदू सोल्यूशन ही है तो ये हिंदू केवल रिलीजन नहीं है एक वे ऑफ लाइफ है और वो बहुत अच्छा बेसिक भारत की मूल आत्मा है उसको नकारने कारण भारत का पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ टागोर ने कहा सबसे पहले हमें हम जो है वह बनना पड़ेगा अब उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वी आर नॉट ashamed और apologetic ऑफ अवर कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटी ऐसा भारत सारे विश्व को अपने आगोश में लेने का उसका उसका इतिहास है उसका अनुभव है उसका नेचर है क्षमता भी है वो क्षमता लानी हमको मतलब है, है सोई है लाना पड़ेगा और ये शॉर्ट फिल्म एक बहुत इफेक्टिव माध्यम है और यंग लोग स्वयं कर सकते हैं मोबाइल से भी एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है और क्योंकि बहुत आसानी से हम लोगों तक पहुंचे सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी क्रांति की है एक्चुअली और इसलिए इस भारत को ठीक ढंग से देखना उसको एक इमेजिनेशन से एक कहानी के रूप में लाकर भारत के सत्य विचार को कहानी कथा के माध्यम से सारी कला का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करना इसमें जो क्रिएटिविटी है एक आनंद है एक आत्मिक समाधान है एक प्रकार का लोक जागरण प्रशिक्षण भी है एक मल्टीपल बेनिफिट छोटे से इस काम से हो सकता है इसलिए ये शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हम अपनी कला को अभिव्यक्त करेंगे भारत को समझने का प्रयत्न करेंगे भारत को जग... गाने का प्रयत्न भी करेंगे थैंक यू वेरी मच अगर अब श्री गजेंद्र चौहान जी कुछ शब्दों से समराइज करें हमें कुछ अपनी थॉट्स बताएं भारतीय चित्र साधना के इस मंच पर उपस्थित बहुत ही हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी अद्विता जी और यहाँ पे प्रबुद्ध लोग जो पधारे हैं डॉक्टर साहब ने जैसे ही फिल्मों की बात आई उन्होंने फिल्मों को भारतीयता से जोड़ दिया और ये सच्चाई भी है जिस तरह से अद्विता जी का प्रश्न था कि ये नई सोच अब क्यों आई है उसका कारण यही है कि भारत अंगड़ाई ले रहा है अपनी सोच में अंगड़ाई ले रहा है सब चीजें बदल रही हैं तो फिल्में क्यों नहीं बदलेंगी ये फिल्में अस्सी के दौर में भी थी लेकिन कुछ नकारात्मक सोच जो है वो सिनेमा के ऊपर हावी थी उसने उन चीज़ों को कभी बाहर नहीं आने दिया 2014 से पहले हम किसी को समझाते थे तो रामायण की तरह समझाते थे मर्यादा में रह के समझाते थे लेकिन आज समय आ गया है उसी नकारात्मक सोच को महाभारत की तरह लड़ाई लड़नी है मुझे बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है आप सब ने देखा एफटीआई में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था किस तरह से नकारात्मक सोच जो है आ, पूरी दुनिया में से पूरे देश में से उठ के एक तरफ हो गई थी लेकिन अगर उस नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा और मैं ये बात कह सकता हूं कि उस नकारात्मक सोच में जो है बहुत कमी आई है और देश बदल रहा है सोच बदल रही है फिल्में भी बदल रही हैं फिल्में जो होती है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कहते हैं ना कि फिल्म सादा मेरर ऑफ लाइफ लाइफ इज ऑल्सो द मिरर ऑफ फिल्म जो जीवन में है वही फिल्मों में और जो फिल्मों में है वह वही जीवन में है एक नई सोच के साथ होता है तो मेरा मानना यह है कि फिल्मों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत दूर तक होता है आप सब इसके साक्षी हैं कि जब रामायण और महाभारत जैसे सब्जेक्ट इस देश में आए तो इस देश की दशा और दिशा ही बदल गई और वो आज तक चल रही है उसका इम्पैक्ट जो है पैंतीस साल हो गए मुझे महाभारत किया हुआ लेकिन आज भी उसका इम्पैक्ट वैसे का वैसा ही है मैं आप सबसे निवेदन करूंगा भारतीय चित्र साधना से जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपनी फिल्मों को एक अच्छी सोच के साथ बनाए सकारात्मक सोच के साथ बनाएं देश का कोई अंश देश की कोई सोच एक नई सोच उसमें लेकर आए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसमें सुधार आ सके वो उसी तरह सोच सके और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं हमेशा यह कहता हूं महाभारत का एक छोटा सा संवाद है उसको अपने जीवन में उतारिएगा जब मैंने पहली बार देखा था मुझसे भी मिस हो गया था वो डायलॉग लेकिन मैंने कई बार देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जीवन का सारांश है और इसकी जरूरत है आज भारत को और वो एक ही लाइन का लेकिन इतना गहरा लिखा है डॉक्टर राय मासूम रजा साहब ने किसान इम्पैक्ट बहुत दूर तक होता है मैं ये छोटा संवाद के अपनी बात खत्म करूंगा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जी को अद्विता जी को कि इतना अच्छा सत्र जो है उन्हें भारतीय चित्र साधना के मंच पे रखा है और वो संवाद कुछ ऐसा है कोई भी पुत्र कोई भी पिता कोई भी परिवार कोई भी परंपरा कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती थैंक यू धन्यवाद आज हमारे इस मंच पर डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी श्री गजेंद्र सिंह चौहान जी और सुश्री अद्वेता काला जी ने और भारतीय सिनेमा में भारतीयता पर जो हमारा संवाद चर्चा सत्र रहा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण था और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इस मंच से एक आज हमारे जो भारतीय चित्र साधना का पांचवा फिल्म महोत्सव है इसका इस मन से भारत माँ का जो जय घोष करेंगे ताकि जितनी भी हमारी महान विभूतियां हैं स्वर्ग में बैठकर देख रही होंगी जिन्होंने त्याग बलिदान दिया भारत के लिए तो एक स्वर में भारत माँ का जय घोष करते हैं भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय भारत जय हिंद